इस पर काम कर रहे हैं, उनको इनकी पोटेंशियल पता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में तुलसी पेंट के, जहां पर आज हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। तो और हम सब लोग सीखने के लिए बहुत तैयार रहते हैं हमेशा से, तो दो तीन चीजों का हमें ध्यान रखना है आज के इस शानदार सेशन में कि हम सभी साथी डायरी और पेन लेके जरूर बैठे, फोन को ऐसे हॉरिजॉन्टल मोड में बना के रखें, क्योंकि एक नेशनल इवेंट है ये सेशन और पूरे भारत से बहुत सारे साथी यहाँ पर आपको देख रहे हैं। यूट्यूब पर ये सेशन यूनिक एजुकेशन सिस्टम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये लाइव हो चुका है, वहां पर बहुत सारे साथी हमारे देख रहे हैं, तो आपका चेहरा बहुत ही बेहतर तरीके से उनको पूरा नजर आएगा अगर आप फोन को ऐसे हॉरिजॉन्टल मोड में करके बैठेंगे। और तीसरी चीज ये है कि प्रॉपर ड्रेस कोड में बैठें, साउंड वाली जगह पे ना बैठें जहां पर आप सही तरीके से आज के सेशन को अटेंड कर पाए, और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा साथियों को आज का ये लिंक शेयर कर दें, ताकि बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पर आ जाएं और आज जो हमें सीखने को मिलने वाला है उस उनकी पूरी जानकारी बहुत ज्यादा से ज्यादा साथी ले पाए और अपनी टीम में उस नॉलेज को डुप्लीकेट कर पाए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी साथी अपनी अपनी टीम में एक बार फटाफट जूम के लिंक शेयर कर दें, यूट्यूब के लिंक शेयर कर दें, क्योंकि महीने में एक दिन तुलसी पेंट का सेशन मिलता है हमें, और ये बहुत ही सौभाग्यशाली हम लोग कि आज हमारे बीच में रिस्पेक्टेड सुमित सर हैं। सर आपका भी स्वागत है आज के इस सेशन में। लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है सर, 500 लोग लगभग हो गए हैं, तो एक एक्साइटमेंट का लेवल सर रहता है इस प्रोडक्ट पे। जो लोग काम कर रहे हैं, जो साथी, उनको पता है 8 बजे ठीक हम लोग सर इस सेशन को शुरू करेंगे, क्योंकि रिस्पेक्टेड टीसी सर हमेशा से ये सिखाते रहते हैं, अनुशासन किसी भी क्षेत्र में किसी भी इंसान को महान बनाता है। तो हम सब लोग अनुशासन में रह करके अपनी पूरी टीम को यहाँ पर फटाफट बुला लें, ताकि आज का ये शानदार सेशन जिसमें कि हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है, और आज का जो पोस्टर हमारे बीच में आया है कुछ नए अनाउंसमेंट को लेकर के आया है, तो वो क्या है नया अनाउंसमेंट ये जानने के लिए हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज का सेशन, जब सुबह सुबह पोस्टर आया आज का कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट आज होने वाले हैं, तो बेसब्री से पूरी टीम इंतजार कर रही है। यूट्यूब पे जो भी साथी हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। 7:58 हो गए हैं, और जो भी हमारे साथी यहाँ पर आ गए हैं, एक बार अपना प्रॉपर वीडियो जरूर ऑन करके बैठें, ताकि इससे टू वे कम्युनिकेशन होगा और हम सब लोग टू वे कम्युनिकेशन से एक दूसरे की चीजों को समझ पाएंगे, बातों को समझ पाएंगे, और आज जो भी चीजें हमें सीखने को मिलने वाली है। वैसे भी मार्च का महीना है, सब लोगों को पता है मार्च का महीना खास होता है, और ये फर्स्ट वीक में ही हमें तुलसी पेंट का ट्रेनिंग मिल रहा है, तुलसी पेंट के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, तो मार्च और भी सुपर मार्च हो सकता है हमारे लिए कि अगर हम लोग इसको बेहतर तरीके से तैयार करें। तो हमारे बीच में लखन सर को मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे हैं, तो SP सिंह सर नजर आ रहे हैं, हरविंदर सिंह नजर आ रहे हैं, तो मुस्कुराइए कि आप तुलसी पेंट के सेशन में हैं। जो साथी नहीं भी मुस्कुरा रहे हैं वो भी मुस्कुराना शुरू करिए, और आप सब लोगों की मुस्कुराहट के बीच, आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच, डिजिटल क्लैपिंग के बीच मैं वेलकम करता हूँ तुलसी पेंट से रिस्पेक्टेड सुमित सर। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन सर, प्लीज वेलकम। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। जय आरसीएम साथियों, मैं बहुत एक्साइटेड और सचमुच कभी कभी सोचता हूँ तो महीने में एक बार आप सभी से इस UES के खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर मिलने का मौका मिलता है, तो ऐसा लगता है कि इस एक सेशन में न जाने क्या क्या बोल, मैं इस एक सेशन को कैसे इस्तेमाल कर, तो कभी कभी सोचता हूं तो लगता है कि आमिर जी आप मेरा सेशन या लखन जी आप मेरा सेशन किसी और हमारे साथी को होस्ट करने दे आप, क्योंकि जो जिन दो लोगों ने तुलसी पेंट का सेशन जो होस्ट करते आए हैं वे आज तुलसी पेंट में धमाके कर रहे हैं। मैं चाहता हूं ये मौका हम और भी किसी साथी को हमारे बीच दे, क्योंकि क्या है पता नहीं, शायद कोई वो कहानी है कि जब कोई तुलसी पेंट का सेशन होस्ट करता है तो फिर उसको धीरे धीरे शायद इस बारे में समझ आने लगता है। ये रंग ही कुछ ऐसा है जो थोड़ा धीरे से चढ़ता है, लेकिन जब चढ़ता है तो सोने नहीं देता। मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार इस बिजनेस को कोई समझ लेता है, एक बार इसके पोटेंशियल को कोई जान लेता है, एक बार इसके रिजल्ट कैसे हो सकते हैं उसको थोड़ा सा चख लेता है, थोड़ा सा टेस्ट कर लेता है, तो फिर ना सोता है और मैं कहूंगा ना हमें सोने देता। तो इस प्रकार का
यह रंग है और मैं चाहूंगा कि आज जितने साथी लगभग 850 साथी यहाँ और YouTube पर भी कई सारे साथी होंगे कि ये रंगों का त्योहार है और इस रंगों के त्योहार पर मैं चाहूंगा ये रंग कुछ इस प्रकार आपके जीवन में आए कि आपके पूरे जिंदगी के ढंग को ही बदल, और ये रंगों वाला हमारा प्रोडक्ट है और बिल्कुल लोगों के घरों को, सपनों के घरों को तो रंगीन बनाएगा ही, लेकिन इस पर काम करने वाले के सपनों को भी रंगीन बनाने की ताकत ही रहेगा। कुछ ऐसे रिजल्ट, कुछ ऐसी आंधी मैं बोलूंगा कि दे जाता है कि मतलब समझ नहीं आता कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग में इसका आना हुआ होगा। मैं आदरणीय टीसी सर को पता नहीं किस शब्दों में, देखिए साथियों मैं हर बार कहता हूं, शायद मैं कहने से कभी चुकूंगा भी नहीं, कि आरसीएम दुनिया की पहली और अकेली ऐसी कंपनी है जिसने पेंट जैसे कमर्शियल प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग में लाया, और यह हमारे आदरणीय सर का विजन था, उनकी सोच थी। ये तो हम भी क्या जानते थे, क्या हमें पता था कि डायरेक्ट सेलिंग में पेंट किस प्रकार का, पूरी दुनिया में किसी ने किया ही नहीं है, तो हमारे तो सोचने और करने का विषय ही नहीं आता। लेकिन जब हम इस बातचीत को लेकर आदरणीय सर के पास गए तो सर ने कहा यस, और सर का ही ये विजन है जिस पर हम प्रयास कर रहे हैं, जिस पर हम कोशिशें कर रहे हैं, और बहुत कुछ बड़ी तैयारियां आप कर पा रहे हैं, तो उससे ज्यादा आनंद और मुझे और किसी बात का क्या हो सकता है। साथियों आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसकी मुझे देश भर से कंटिन्यूस रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कुछ ऐसा आप कर दें, प्लीज कुछ ऐसा आप कर दें। मैंने भी सोचा कि चलो देखते हैं, करके देखते हैं कि कितने लोग, मैं अपनी कमिटमेंट पर रहता हूँ, कितने लोग अपनी कमिटमेंट पर रहेंगे। तो साथियों इससे पहले कि मैं उन अनाउंसमेंट्स पर जाऊं, कई सारे नए साथी होंगे, कई सारे ऐसे साथी होंगे जिन पर अभी यह रंग चढ़ा नहीं है, तुलसी पेंट्स का रंग अभी तक उन्हें उन पर लगा नहीं है, तो अभी तक शायद इसके पोटेंशियल को अभी तक उन्होंने जांचा नहीं है, परखा नहीं है, समझा नहीं है। थोड़ा सा पोटेंशियल की बात करूंगा, फिर थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई व्यक्ति एक मोटिवेशन में काम शुरू कर देता है, लेकिन जब काम शुरू करता है तो किन चीजों का ध्यान उसे रखना है, इस पर थोड़ी सी बातचीत करूंगा, और फिर फाइनली उन अनाउंसमेंट्स को मैं करना चाहूंगा। साथियों मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया की पेंट इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो चुनिंदा 3-4 लोग इस इंडस्ट्री को कई साल से डोमिनेट करते आए हैं, कई साल से एक बहुत बड़ा शेयर उन्होंने ले रखा है, और 35% का शेयर लगभग दूसरी अन्य कंपनियों के बीच बटा हुआ है। लेकिन साथियों क्या आप जानते हैं कि 2019 में JSW ग्रुप जिंदाल स्टील 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ पेंट में आए, और आते ही आप सोचिए साथियों 3 साल 2022 में, जबकि बीच में तो कोविड का समय था, लोग मुश्किल समय कहते हैं, उस समय में भी उन्होंने 750 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दी पेंट में। और साथियों ये 600 और 700 तो कुछ भी नहीं, इंडिया का सबसे जाना माना ग्रुप आदित्य बिरला ग्रुप ग्राशिम पेंट्स के नाम से इंडस्ट्री का सेटअप तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सन 2024 में अगले साल 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ पेंट इंडस्ट्री में आ रहा है। साथियों आदित्य बिरला ग्रुप के आते ही वो इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए। साथियों आप सोचिए कि ऐसा कोई कब करता है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा प्लानिंग, इतनी बड़ी कंपनी कब करती है। तो एक स्लाइड में आपको बता रहा हूं, मैं नहीं जानता आप उसको कितना समझेंगे, मुझे ध्यान से सुनना। इंडिया में लगभग 80,000 से 90,000 करोड़ का आज का मार्केट है इंडिया का सालाना पेंट, लगभग 82,000 to 85,000 करोड़ अगर मैं स्पेसिफिक रहूं, और इंडिया को इस आंकड़े पर पहुंचने के लिए 120 साल लगे, 120 years, और ये प्रेडिक्शन है साथियों कि अब इस आंकड़े को डबल करने 80,000 करोड़ से 1,60,000 करोड़ होने में अगले 8 साल में ये होने, जो चीज पिछले 120 साल लगे जहां पहुंचने में, बस वही काम अब अगले 8 साल में होने को,
तो आप सोचिए कि कितनी तेजी से, कितनी स्पीड से इस इंडस्ट्री में ग्रोथ होने वाली है। और ये कंपनियां इसीलिए इन्वेस्ट कर रही है साथियों, कि इंडिया की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर हम देखें, सन 2025 में इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पर होगा, और मेरा तो ये मानना है कि आने वाले दशक में हम दुनिया में पहले नंबर पर होंगे एज फार एज कंस्ट्रक्शन। और ये कंपनियां जानती है कि कोई भी बिल्डिंग बिना पेंट के कंप्लीट हो ही नहीं सकती। मेरा तो मानना है कि कंपनियों का यह सोचना होगा कि करंट कैपेसिटी फुलफिल नहीं कर पाएगी, इसीलिए तो इतना तुरंत हर कोई एक्सपांशन की तरफ बढ़ रहा है। तो साथियों, अब सवाल यह आता है कि यह सब कहां हो रहा है, क्या यह हमारे आसपास नहीं हो रहा, क्या यह हमारे गांव में नहीं हो रहा, क्या हमारे नजदीकी शहरों में नहीं हो रहा, क्या यह हमारे रिश्तेदारों में नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है साथियों। और जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये सभी कंपनियों के लिए है, उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए भी है साथियों। जब ये हो ही हमारे आसपास रहा, जब ये हो ही हमारे नजदीकी गांव और शहर में हो रहा, जब ये हो ही हमारे रिश्तेदारों में रहा, तो ये हमारे लिए भी उतना ही बड़ा अवसर है साथियों। और यही कारण था टाटा के कॉफी डिवीजन में आरसीएम तुलसी पेंट्स लगा, यही कारण था बॉश इंडिया के हेडक्वार्टर्स में तुलसी पेंट को लगाया गया, इसी के साथ साउथ इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप को आज तुलसी पेंट्स लगाया जाता है, एसएमआर होल्डिंग्स नाम से जिनका नाम, कई सारे मंदिर, कई सारे मस्जिद, कई सारी चर्चेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ये सारी इमारतें जो आप देख रहे हैं साथियों, ये आरसीएम तुलसी पेंट से रंगवाई गई इमारतों की फोटो बता रहा हूं मैं। और न जाने अनगिनत घरों को अब तक आरसीएम तुलसी पेंट से रंगवाया जा चुका है साथियों, जिनका हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा मैं कहूंगा तैयार हो गया। अब साथियों सवाल ये आता है कि ये कौन कर रहा है, ये सब हो तो रहा है, तो हमने देखा कि क्या ऐसे कोई व्यक्ति इस पर काम कर रहे हैं जिनका पेंट का बैकग्राउंड था, क्या ऐसे कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं जिनके कंस्ट्रक्शन का बैकग्राउंड था? बिल्कुल भी नहीं सर, ये और कोई नहीं, आपके मेरे जैसे आरसीएम के एसोसिएट बायर्स थे, मेरे यूएस के प्रोग्राम के होस्ट थे, जिनको इस प्रोडक्ट के पोटेंशियल का अंदाजा लगा, जिन्हें लगा कि इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, और उन्होंने इस इंडस्ट्री को सीखा। सबसे महत्वपूर्ण यह है, उन्होंने इस इंडस्ट्री को सीखा, सीख कर इस दिशा में उन्होंने काम की शुरुआत की और आज कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ी तैयारियों में। साथियों कभी कभी सोचता हूं तो लगता है कि हर महीने में यूएस के प्लेटफॉर्म पर आकर यही कहता हूं कि साथियों पेंट जो है वो बड़े टर्नओवर वाला प्रोडक्ट है, पेंट जो है वो बड़े टर्नओवर वाला, पर क्या करूं मैं अपने आप को रोक भी तो नहीं पाता। जब बड़े टर्नओवर देखता हूं, जब हमारी टीम को उसके बड़े टर्नओवर को अचीव करते हुए देखता हूं, तो बिल्कुल हर बार लगता है कि यार ये तो मतलब आप सोच नहीं सकते इस दिशा में आपके बिजनेस को ले जा सकता है। साथियों आरसीएम में पेंट के महत्व को अगर हम समझे तो बस इतना सोचिए, एक घर को लगने वाला पेंट 30,000 से 5 लाख रुपए के बीच हो सकता है। हर महीने आप चुनिंदा घरों को कलर करके लाखों रुपए का बिजनेस कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेंट लगता ही नहीं। आप सोचिए कि आपकी टीम में अगर 50 पेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो 50 लाख का बिजनेस आप बना सकते हैं। एक दुकान के टर्नओवर को देखें, क्योंकि अब आरसीएम में भी पेंट की दुकानें तो देश भर में 400 से अधिक दुकानें हो गई है, एक दुकान का टर्नओवर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर एक दुकान आराम से बना सकती है साथियों। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पिन स्किप करने वाला प्रोडक्ट, कुछ ऐसी पिने होगी साथियों जो हमारे जीवन में कभी आई ही नहीं। देश भर में अब पेंट के माध्यम से नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन 4 महीने में लोग हमारी टीम में लोगों ने टेक्निकल क्वालिफाई किया है, बस पेंट पर काम करके 4 महीनों में टेक्निकल क्वालिफाई। रॉयल्टी का सेलिब्रेशन तो मैंने पेंट में काम करने वालों को बंद करना है, मैंने कहा यार रॉयल्टी को हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे पेंट, क्योंकि अगर हम रॉयल्टी को सेलिब्रेट करेंगे तो हर महीने हम काम छोड़कर सेलिब्रेशन करने लगे।
हम जानते हैं हर महीने किसी ना किसी का रॉयल्टी होना तो तय ही है, एक कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो उसका रॉयल्टी होना तय है। तो साथियों इस प्रकार के रिजल्ट पेंट के माध्यम से आते हैं, लेकिन आपको पहले सीखना होगा साथियों। जिन्होंने अभी तक अपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया उस ऐप को डाउनलोड कर ले, आरसीएम तुलसी पेंट का ऐप बड़ा ही महत्वपूर्ण ऐप है, उसका इस्तेमाल करने हमें आना चाहिए। वो हमें काफी जगहों पर बहुत महत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई सारे सिचुएशन में हमें काम आ जाता है। साथियों मैं पहले दिन से ये कहता आया कि आरसीएम में पेंट पर अगर आपको काम करना है तो अच्छे पेंट कॉन्ट्रैक्टर आपकी टीम में शामिल होने चाहिए। पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का नेटवर्क बनाकर काम करने वाला बिजनेस है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं ये कह देता हूं तो कई सारे लोग पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को ला लेते हैं, तैयारियां कर लेते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। नहीं साथियों, हम दूसरों पर बड़ी जल्दी काम करते हैं, हम खुद पर काम नहीं करते। पेंट कॉन्ट्रैक्टर को आ जाएगा लेकिन वो एक एजुकेटेड डाउनलाइन है। आज तक हमने जब जब काम किया हमारी डाउनलाइन एजुकेटेड नहीं थी, एक फ्रेश डाउनलाइन थी, उसको धीरे धीरे हमने एजुकेट किया, 4 महीने में किया, 6 महीने में किया, 1 साल में किया, धीरे धीरे वो एजुकेट होती गई और काम आगे बढ़ता गया। लेकिन पेंट में मामला ऐसा नहीं था। पेंट में हमारे पेंट कॉन्ट्रैक्टर 15 साल 20 साल 25 साल से यही काम करते आए, तो वो इस फील्ड की एजुकेटेड डाउनलाइन है। और जब एक एजुकेटेड डाउनलाइन आती है ना साथियों, तो अपलाइन की जिम्मेदारियां 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब जिन सवालों को हमारी एजुकेटेड डाउनलाइन पूछेगी, अगर उनके जवाब आप नहीं दे पाए तो वो आप पर विश्वास करके आगे काम नहीं कर सकती। तो मैं ये कहूंगा कि आप अगर पेंट पर काम करकर कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो तुरंत जाकर पेंट कॉन्ट्रैक्टर से ना मिले, पहले सीख ले, समझ ले। हमने अपनी ट्रेनिंगों में ये तक बताया कि हम जब किसी पेंट कॉन्ट्रैक्टर से मिले तो क्या बात करें, हमारी बातचीत किस दिशा में होनी चाहिए, हम इस प्रोडक्ट पर काम करें तो किन चीजों का ध्यान रखें, कौन सी ऐसी चीजें जो हमें करनी है, कौन सी ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी, उस पूरी ट्रेनिंग को लिए बिना आप पेंट पर काम मत करना साथियों, बहुत उलझ सकते हैं आप। लेकिन यह भी कह देता हूं कि ट्रेनिंग लेकर करोगे तो फिर आप कुछ नई दिशा में अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी में लग जाओगे। साथियों जैसे मैंने कहा कि हम पेंट कॉन्ट्रैक्टर से बात करके उनके नेटवर्क से बनाने वाला ये बिजनेस है, और हमारा एक पार्टनरशिप प्लान है। हम आरसीएम का प्लान पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं दिखाते, पार्टनरशिप प्लान बनाया हुआ है जिसकी मैंने कई बार ट्रेनिंग ली भी है, हम लेते भी रहते हैं। उस पार्टनरशिप प्लान को दिखा करके हम पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स से बात करते हैं और वो बातचीत होने के बाद हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होता है। अब साथियों मैं 7 कार्डिनल रूल्स आरसीएम तुलसी पेंट के 7 कार्डिनल रूल्स पर आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूं। और वैसे आरसीएम तुलसी पेंट्स के 7 बेसिक्स हैं और 7 कार्डिनल रूल्स हैं, तो 7 बेसिक तो वो है जो हमें करना है और 7 कार्डिनल रूल वो होते हैं जो हमें कभी नहीं करना। कार्डिनल रूल वो गलतियां होती है जो हमें गलती से भी नहीं करना। तो बेसिक्स तो है ऐसे साथियों कि हम बेसिक पर हो सकता है कि आज हमने काम नहीं किया तो 2 महीने बाद धीरे धीरे सीख लेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे। लेकिन कार्डिनल रूल क्या ऐसे होता है साथियों कि ये गलतियां हमें नहीं करनी, लेकिन हमने अगर इस गलती को कर दिया तो फिर उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, हम ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मैं आज के सेशन में कार्डिनल रूल्स को बताना जरूरी समझूंगा और फिर हम बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो साथियों सबसे पहला कार्डिनल रूल ये कहता है कि हमें पेंट कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी नाराज नहीं करना है। पेंट कॉन्ट्रैक्टर को हम इस सिस्टम में लाते हैं, उसके साथ मिलकर ये बिजनेस करते हैं, उसे नाराज नहीं करना है। उसे नाराज करने में एक सबसे पहली गलती हम कर रहे हैं कि हम एंड कस्टमर को ज्वाइन कर लेते हैं जिनके घर कलर बने। तो साथियों अगर आप पेंट पर काम करना चाहते हैं तो ये गलती आप कभी भी नहीं करेंगे। हम पेंट कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी नाराज नहीं करेंगे जिसमें हम एंड कस्टमर को कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरी चीज, पेंट में जो काम होता है साथियों वो डीपी पर नहीं होता है, डीपी पर काम नहीं करना है, डीपी को भूल जाना है। एमआरपी हमारे लिए सबसे सही चीज है। ये कमर्शियल बिजनेस है तो कमर्शियल बिजनेस की तरह काम करें।
मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि डीपी तो वो प्राइस होती है ना जिसमें एक डीलर को या एक डिस्ट्रीब्यूटर को माल मिल जाता है। तो क्या आप किसी, समझो कि आप किसी कूलर वाले की दुकान पर गए, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर गए, तो आपने जाते ही क्या वो आपको उसको कितने में कूलर मिला ये प्राइस आपको बताता है क्या? वो वहां लिख कर रखता है ये देखो मुझे इतने में आया मैं आपको ले दे। तो फिर साथियों हम क्यों डीपी पर बात करते? तो पेंट में तो विशेष तौर पर डीपी पर काम नहीं होता, कुछ इसके तौर तरीके हैं जो हम डिटेल ट्रेनिंग में लेते हैं, लेकिन आज के लिए आप इतना समझे। दूसरा, पेंट कॉन्ट्रैक्टर को जब हम अपना प्लान बताते हैं, पार्टनरशिप का प्लान, प्रॉफिट का प्लान, तो वो हमारे साथ जुड़कर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पेंट कॉन्ट्रैक्टर की ज्वाइनिंग हम हमेशा पेंट्स के प्रोडक्ट से ही करेंगे, हम आरसीएम के अन्य प्रोडक्ट से पेंट कॉन्ट्रैक्टर की ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं साथियों, तो हम उन्हें बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में तुरंत नहीं बोलेंगे जब तक उनके बैंक अकाउंट में आरसीएम से ही पैसा नहीं आ जाता। साथियों इसके अलावा हम पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ अपना आरसीएम का प्लान नहीं दिखाते, पार्टनरशिप प्लान है जो आरसीएम का ही प्लान है, बस उसे दिखाने का तरीका अलग, हम उसी प्लान को दिखाते हैं, तो हम उन्हें प्लान नहीं दिखाएंगे। हम डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क, MLM, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम कभी भी उनके साथ नहीं करेंगे साथियों। अगली चीज साथियों, आप कितने लोगों से मीटिंग कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना पीवी उस मीटिंग में बनाते हैं ये इंपॉर्टेंट। मैं रिपीट करता हूं, हमारा ये मानना है कि जितनी बड़ी मीटिंग उतना बड़ा रिजल्ट। साथियों पेंट में ऐसा मामला नहीं, यहाँ मामला थोड़ा सा अलग है। हम कितने लोगों से मिल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कितना पीवी बना रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। पेंट में आप एक से ज्यादा पेंट कॉन्ट्रैक्टर को एक साथ कभी भी नहीं मिलेंगे। एक से ज्यादा पेंट कॉन्ट्रैक्टर की मतलब वन ऑन वन मीटिंग ही आप लेंगे, आप ग्रुप मीटिंग शुरुआती दौर में तो कभी नहीं मिलेंगे। हो सकता है वे सभी आरसीएम सिस्टम का हिस्सा बन जाए, वे हमारे परिवार के लोग जाए, उसके बाद आप भले ही ले लें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन शुरुआती मिलना हम वन ऑन वन ही करेंगे साथियों। साथियों अगला कार्डिनल रूल ये कहता है कि हम दूसरी कंपनी के पेंट के विक्रेता से कभी भी नहीं मिलेंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है, इसको इनडायरेक्ट सेलिंग करने की कोशिश हमें नहीं करनी है। उसके अलावा साथियों पेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप जब मीटिंग लेते हैं तो तुलसी पेंट्स की मीटिंग में आप अन्य प्रोडक्ट का जिक्र ना करें, क्योंकि पेंट कॉन्ट्रैक्टर का फोकस बिगड़ जाता है, वे लोग काम नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा हम स्पेसिफिक रहें, और आप पेंट के साथ बाकी भी हमारे स्टोर चलाते थोड़ा प्रॉपर पेंट को अलग से रखें, प्रॉपर बाइफर्केशन लगे, क्योंकि लाखों रुपए का पेंट लेने आने वाला व्यक्ति बनती कोशिश एक और साइड में शटर लेकर के ही आप अपने दुकान की प्लानिंग करें, क्योंकि एक लाखों रुपए का पेंट लेने आने वाला व्यक्ति अगर ये देखेगा कि आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं, तो वो हो सकता है आपके साथ लंबा चौड़ा काम करने के इंटरेस्ट नहीं रखेगा। ये सात कार्डिनल रूल थे साथियों। सात कार्डिनल रूल्स मैं आपको कह दूं, जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी तो हमारे पास नहीं। तो क्या होता है ना, जब एक नया रास्ता डलता है, एक हाईवे डालते हैं, तो पता नहीं होता है कि कहाँ कहाँ एक्सीडेंट होते हैं। फिर कहीं कहीं एक्सीडेंट होते हैं 3-4 जगह पे, फिर सरकार जो है वहां आकर बोर्ड लगाती है कि यहाँ जो है आपको गाड़ी धीरे चलाना है, ध्यान से चलाना है, यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो साथियों ये गलतियां देश भर में कई जगहों पर हुई, कई सारे एक्सीडेंट हुए, और फिर हमने समझा कि भाई ये हमें वहां कुछ बोर्ड साइनेज लगाना जरूरी है कि ये गलती अब हम ना करें। तो साथियों ये वो कार्डिनल रूल्स हैं जिन्हें आपको समझ करके काम करना होगा, और पेंट पर काम करने के लिए मैं आपसे कहूंगा साथियों पहले डिटेल ट्रेनिंग लिए बिना प्रोडक्ट पर काम की शुरुआत ना करें। शांति से हर चीज को आप समझें, सीखें। नांदेड़ का टारगेट कई सारे साथियों ने पूरा किया है, जो नांदेड़ जनवरी और फरवरी में हमने एक टारगेट दिया था जिसमें 20,000 और 50,000 पीवी 2 महीनों में करना था, और नांदेड़ के फैक्ट्री का विजिट एवं ट्रेनिंग सब कुछ इसमें इन्वॉल्व था। होटल में एक रात का स्टे, 2 दिन की ट्रेनिंग, खाना,
गाला डिनर म्यूजिकल और फैक्ट्री की विजिट, शोरूम की विजिट, हुजूर साहब गुरुद्वारे की विजिट, तो ये सब कुछ उसमें था। और बहुत जबरदस्त तैयारियां कई सारे क्षेत्र में कई सारे लीडर्स द्वारा इस पर हुई। लगभग कहूंगा कि 700 से 1000 लोग लगभग लगभग ऐसे रहे जिन्होंने इस टारगेट को अब अचीव कर लिया। 700 लोगों से ऊपर ही हैं उन्होंने इसको अचीव किया और अब वो नांदेड़ आने की तैयारी कर रहे हैं और डिटेल ट्रेनिंग लेकर अब अपने बिजनेस को कुछ अगले मुकाम पर ले जाने की तैयारी ये कर रहे हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी सर, जनवरी और फरवरी का तो हो गया, सर मार्च का क्या? टारगेट हो और वो मार्च में ना हो, ये तो हमें बात सर थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही। एवं कई सारे साथियों को लगा कि सर हम और भी कुछ कर सकते थे और भी कुछ करवा सकते थे, तो कई सारी रिक्वेस्ट देश भर से मुझे आई। तो साथियों ये मौका फिर एक बार हमारे बीच में है, 1 मार्च से 31 मार्च के दौरान आप फिर से खुद की आईडी पर तुलसी पेंट से 20,000 पीवी करके नांदेड़ का वही ऑफर ले सकते हैं। पहले का बिजनेस कैलकुलेट नहीं होगा, जनवरी और फरवरी का आपका कोई भी बिजनेस इसमें कैलकुलेट नहीं होगा, ये मार्च ओनली का टारगेट है, ये सिर्फ मार्च का टारगेट। अब एक सवाल ये आएगा कि सर हमने जनवरी फरवरी में तो किया है, अगर हम मार्च में भी करते हैं तो क्या? तो आपकी आईडी पर किसी और पेंट कॉन्ट्रैक्टर को ला सकते हैं। आपने अगर मार्च में फिर से किया, क्योंकि आप जब एज ए टीम काम करोगे तो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को लाना चाहोगे, अपने किसी और टीम मेंबर को लाना चाहोगे, ताकि उसके आने से एक नए बिजनेस को बिजनेस में एक नई गति आए, तो साथियों ये ऑफर आपके लिए बिल्कुल जबरदस्त रहेगा कि आपने किया भी है तो आप फिर से जो है उस टारगेट को करके अपने टीम में और भी लोगों को लेकर आ सकते हैं। और 20,000 के साथ साथ जिसमें फैक्ट्री की विजिट, शोरूम की विजिट, सचखंड गुरुद्वारा के दर्शन, लग्जरी होटल में एक रात का स्टे, म्यूजिकल गाला डिनर, एकदम जबरदस्त ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग से भी ज्यादा मैं कहूंगा कि ट्रेनिंग के तो हम जूम पर भी कर ले, हम हूबहू बैठ करके लगभग लगभग 2 दिन बातचीत, हमने क्लस्टर को बिल्कुल छोटा रखा है, यहाँ बहुत बड़ी मीटिंगें नहीं रखी है, 100-100 लोगों के मल्टीपल में हम करेंगे, लेकिन इसीलिए उसको ऐसा रखा है कि हम उन 100 लोगों को 100% समय देकर के 100% उनकी तैयारियों में जो है वो पूरा का पूरा हम अगले साल की प्लानिंग कर सके, कुछ नई पीढ़ियों की प्लानिंग कर सके, कुछ बहुत बड़ा करने की प्लानिंग, और तुलसी पेंट्स का टूल किट उन्हें दिया जाएगा और इसी के साथ एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। साथियों जब मैंने इस ऑफर के बारे में कुछ लीडर से बात करते हैं, उन्होंने कहा सर 50,000 पीवी का क्यों नहीं, जब पिछले महीने 20 का दिए तो 50 का भी क्यों नहीं। हमने कहा चलो ठीक है 50 का भी, जब 20 वाली चीजें हैं वो तो सब कुछ होगा, 50 वाले में जैसे फैक्ट्री की, शोरूम की विजिट, गुरुद्वारा के दर्शन, स्टे, म्यूजिकल गाला डिनर, आप ट्रेनिंग, सब कुछ 50,000 पीवी करके आप एक और व्यक्ति को साथ ला सकते हैं, एडिशनल व्यक्ति, प्लस आपको 850 रुपए का तुलसी पेंट्स का ड्रीम कलर फंड है, जो मैं आप कहूंगा कि पेंट पर काम करने में हर व्यक्ति का ड्रीम हो गया है कि वो चीजें मेरे पास हो, एक्सेस हो, सरप्लस हो, तो वो भी दिया जाएगा और ट्रॉफी से उन्हें मान्यता दी जाएगी। साथियों पेंट पर 20,000 और 50,000 पीवी करना बहुत मामूली है, अगर 700 लोग जस्ट स्टार्ट करके कर सकते हैं तो फिर हम तो साथियों बिल्कुल इस तैयारी को कर सकते हैं। लेकिन मैं बड़ी क्लियरली आपको कहूंगा पेंट ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें आपको टारगेट पूरा करने के लिए काम करना, आप कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करोगे कि आपको इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपने काम नहीं सकते। आप एक घर को कलर करके भी 20,000 पीवी कर सकते हैं, आप जेन्युइनली उस एक घर को कलर करके, क्योंकि जब हम नांदेड़ में आपसे आगे की बातचीत करेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि फील्ड में अगर मैंने काम नहीं किया तो यहाँ मेरी ट्रेनिंग में मुझे शायद इतना सपोर्ट नहीं मिल पा। लेकिन आप अगर टारगेट को अचीव करते हुए आओगे, खुद काम करके फील्ड में एक दो घरों
काम पेंट करके आओगे तो साथियों बिल्कुल आप तैयार रहोगे कि यहाँ हम आगे की चीजों को सीखें और सीखकर उन चीजों को आगे बढ़ा सकें। साथियों मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे लोगों ने जिस चीज को मांगा था, मैंने सोचा कि मार्च के महीने में भी आप कर लें तो आप जब अप्रैल या मई में अगले आप अभी आने वाले अप्रैल मई में जब भी नांदेड़ विजिट की तैयारियां और भी अधिकतर साथियों को हम अपने साथ ले आ पाएंगे और यहाँ आकर हम आने वाली एनिवर्सरी एवं आने वाले उससे अगले मार्च तक की सारी प्लानिंग को ऑन पेपर लेंगे। साथियों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से नांदेड़ में मिलने के लिए और दुनिया में पहली बार जिस प्रोडक्ट का डायरेक्ट सेलिंग में आना हुआ उस विषय में आपको कुछ बोलने के लिए और आपसे कुछ समझने के लिए। जो काम आप फील्ड में कर रहे हैं उससे मैं भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आप किस दिशा में आप इसे आगे लेकर के जा रहे हैं। तो यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा सर और मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे कोर लीडर्स हमारे बीच होंगे, वैसे मुझे नहीं पता लेकिन आदरणीय मूर्ति सर या और भी जो हमारे सभी श्याम सर या हमारे बाकी सभी कोर लीडर्स में शायद मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा, उनका भी हम इस पर कहीं ना कहीं कमेंट लेंगे और इस मार्च के टारगेट में मुझे ऐसा लगता है कि जितना जनवरी फरवरी मिला करके लोगों ने किया है उतने या उससे ज्यादा ही लोग शायद मार्च के टारगेट को पूरा कर लेंगे, ऐसा मेरा गणित तो कहता है। मैं नहीं जानता कि फील्ड क्या कहती है या फील्ड की ऊर्जाएं क्या कहती है, तो आपको बहुत बहुत जिन्होंने टारगेट अचीव कर लिया उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका हम नांदेड़ में इंतजार कर रहे हैं एवं जो जिन्होंने अब नए टारगेट की तैयारी वो कर रहे हैं उनके लिए उनको ऑल द बेस्ट और मैं चाहूंगा कि आप उसे कंप्लीट करें, प्रॉपरली कंप्लीट करें, सीख कर करें और सीख कर समझ कर 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 जब आप नांदेड़ आओगे तो आप हम इसे अगली दिशा में ले जाएंगे। धन्यवाद आप सभी को और जय आरसीएम साथी। बहुत बहुत धन्यवाद मूर्ति साहब, ये सुमित सर आपने इतना शानदार और वास्तव में क्या करना है उससे ज्यादा महत्व हमको क्या नहीं करना है, तो 7 कार्डिनल रूल्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मार्च के महीने में पुनः आपने टारगेट को जो चालू किया सर ये तो कमाल होने वाला है। जब नॉन टारगेट मंथ में इतना बड़ा किया जा सकता है तो टारगेट मंथ में तो कमाल होगी सर। तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आपको कि आपने बहुत ही शानदार फिर से आपने हमको मौका दिया हम सभी लोगों को। स्पेशली टीसी सर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पेंट जैसे तुलसी पेंट जैसे प्रोडक्ट ला के बिल्कुल रॉकेट की स्पीड पे चलने वाली बिजनेस की एक हम लोगों को रेखा उम्मीद दिया और मैं सभी गुरुजनों से को धन्यवाद करता हूँ जो हमारे रिस्पेक्टेड कोर लीडर हैं, उन्होंने शानदार प्लेटफॉर्म पे हम लोगों के हमेशा सीखने का मौका देते हैं। तो आज हम स्पेशली अपने गुरुजनों से सुनेंगे और डॉक्टर वत्स सर है सर, एक बार सर को पहले हम लोग सुन लेते हैं। सर प्लीज वेलकम, डॉक्टर वत्स सर है, सुरेंद्र वत्स सर। सर प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच आमिर जी, लखन जी, सुमित जी, मेरे ही नहीं हिंदुस्तान के सभी लोगों के जिन्होंने उनको सुना है उनके बेस्ट स्पीकर्स में से आते हैं, बहुत सरलता के साथ में बहुत गहरी बात कह जाते हैं और बहुत मीनिंगफुल रहती है। सो बहुत शानदार ऑफर है सुमित सर, थैंक यू सो मच, हमारे लिए काम आसान कर दिया, हमारे बहुत सारे साथी पिनों को चेंज करने के लिए बहुत उत्साहित भी हैं, उनके अंदर बर्निंग डिजायर भी है, थोड़ा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तो आपने रास्ता दिखा दिया है कि ये वो रास्ता है जो आपकी पिनों का रंग बदल सकता है। तो जिनके पास में हरी पिने हैं तो लाल में कन्वर्ट हो सकती हैं, लाल वाली वाइट में कन्वर्ट हो सकती है, तो बहुत शानदार ऑप्शन है। और मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ पर्सनली जिन्होंने पेंट की वजह से नए कीर्तिमान बनाए, मतलब किसी स्टेट में किसी एरिया में इतनी फास्ट अचीवमेंट कभी आई नहीं थी जितनी उन्होंने अचीव की है, उसी प्रकार के कीर्तिमान आप सब लोग अपने क्षेत्रों में बना सकते हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का जो टारगेट है कपल वाला,
वो मेरा तो फाइनल है, मैं तो इस महीने उसको पूरा कर ही रहा हूँ, और मेरा इसलिए हो पा रहा है इजीली, मेरी थोड़ी सेटिंग है सुमित जी से। तो मैंने बोला था कि सुमित जी मैं एक नया ऑफिस बना रहा हूँ, तो ऑफर है ना उसी समय लेके आना। ये आप यूँ कह सकते हो कि मैंने सोचा कि चलो उस समय बनाता हूँ, मार्च में तो कुछ ना कुछ ऑफर आ ही जाएगा, तो वो प्लानिंग का भी एक पार्ट हो सकता है। तो बहुत सही समय पे बहुत शानदार ऑफर आया है सुमित सर, थैंक यू सो मच। ऑफर के साथ, प्रोडक्ट के साथ, जिस प्रकार से आपकी हमेशा हम सब लोगों को सपोर्ट रहती है किसी भी तरह की, चाहे वो मोटिवेशन की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, कोई भी है, तो आप हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। आपकी टीम बहुत शानदार है, तो हम सबको बहुत प्राउड फील होता है आपके साथ में काम करके, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ में काम करके। सभी डायरेक्ट सेलर्स की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद सुमित सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बस सर, आप उपस्थिति हम लोगों के लिए बहुत शानदार रहता है, और इस कड़ी में हम लेते हैं बहुत ही शानदार हमारे को लीडर रिस्पेक्टेड सीआरएन मूर्ति सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। क्यों जी आरसीएम जय तुलसी यस पेन। पहले डायमंड डॉक्टर सुरेंद्र सर को नमस्कार। सर बधाई हो सर, 5th का प्रोग्राम है, मैं आ नहीं पाया, बट यहाँ से पूरा सब कुछ से खबर हमें मिलने से और आपका किताब को देखे बहुत खुशी आई सर। और सुमित सर एकदम जबरदस्त, क्या बताऊँ सर, मार्च और क्या बोलते, चमका दिया, होली के साथ साथ इतना चमका दिया। अब तो हम सोच रहे थे कि नासिक में और लोगों को कैसे लेके आएंगे। अब जैसे आपने बोला जितना लोग अभी तैयार हुए हैं, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा तैयार होगा, क्योंकि ये पेंट का सीजन है सर। खास करके अभी शायद हमारे पास अभी एक टेस्टिमोनियल आने वाले हो, अगर उनको जगह मिल गया तो अभी इधर आ जाएगा हमारा कोऑर्डिनेटर बाबू सर। उन्होंने कुलकोट इस्तेमाल किया सर, बिना पंखे का सो रहे, अभी 42 डिग्री टेम्परेचर केरला में है, बिना पंखे में दिन में भी अब बैठ नहीं सकता है। और बाबू सर का घर में, खास करके मैं कई बार जा चुका हूँ उसका, मतलब गर्मी के टाइम में घर के अंदर जा नहीं पाते, सिंगल स्टोरी है। और कोल्ड का इस्तेमाल किया, कल बता रहे थे कि विदाउट फैन कैन स्लीप। अगर ये खबर अगर पूरा इंडिया में पता चल गया ना सर, आप तो कोल्ड बनाते बनाते थक जाओगे और सिर्फ इसी से लोग इसी महीना 50,000 कर लेगा। और सर अभी भी मेरे पास मैसेज आया सर, कालीकट में कल हमारा एक मीटिंग था, उसमें 300 लोगों का कैपेसिटी था, हॉल भर गए, लोग टिकट नहीं ले पाए, वापस गया। उसी मीटिंग में आया एक बंदा, अभी आज 50,000 का पेंट लेके ज्वाइन ही लिया सर, 50,000 का पेंट परचेस करके ज्वाइन किया। तो आप देखिए आरसीएम में ज्वाइन करने के लिए 2,000 रुपये का ही प्रोडक्ट परचेस करना है, और 50,000 का परचेस करके ज्वाइन कर रहा है, और उस इसी महीने वो पता नहीं कितना परचेस करने वाला है। तो आप जैसे बोलते हैं ना सर, पिनो स्किप होने वाला है। अब आप बताइए, अपना बैंगलोर में रेड्डी सर टेक्निकल, बिना टेक्निकल नहीं, हैज बिकम स्टार प्लेयर अचीवर। अब वो बहुत कम टाइम में एमराल्ड बनने वाला व्यक्ति वही होगा मेरा ख्याल से। ऐसा नहीं है कि और भी कोई हो सकता है, लेकिन अभी जैसे क्योंकि अब है ना, वो बोलना मुझे मुझे वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि इतना तेजी से लोग पेन के ऊपर काम करना शुरू हो गया। अभी भिलवाड़ा में आया तो हमने देखा, यूपी से वर्षा, मैंने एक यूपी से एक टीम से मुलाकात हुआ, तो एक पेन का डीलर है, 32 साल से पेन का डीलिंग में है और करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहा है। मैं भाई साहब से पूछा, अगर आप जितना भी बड़ा बिजनेस करोगे, आपका एक क्षेत्र है, उससे बाहर का आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप आरसी में आएगा तो पूरा इंडिया में आपका ये फॉर्मूला से आप पूरा इंडिया का फायदा आप उठा सकते हैं। तो उन्होंने बोला, अरे ये तो मेरा ध्यान में नहीं आया था, हम तो आराम से कर सकते हैं। तो रियली सर वंडरफुल मैसेज। और 20,000 और 50,000 तो कुछ है नहीं सर, अभी दो को आप मेरे ख्याल से केरला में ही लगभग 200 लोग टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है जनवरी फरवरी में। जैसे सर ने बोला, अभी अकाउंट डाटा निकालता हूँ इस महीने में कितना लोग करेगा। एनीवे सर, जैसे आपने हमेशा बोलते हैं, अगर आरसीएम का सारे प्रोडक्ट तराजू में एक साइड में रखे और तुलसी पिन दूसरे साइड में रखे, तो तुलसी पिन वाला हिस्सा नीचे ही रहेगा। थैंक यू सर। जैसे मैंने बोला, बाबू
एमडी बाबू राइसिंग कोर करके आया हुआ है, अगर आप उनको कोहोस्ट या अनम्यूट करेगा तो उनका वो एक्सपीरियंस बताएगा सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मूर्ति सर, आपके एक्सपीरियंस से हम लोग काफी चीज सीखते हैं। और वास्तव में ये बिजनेस ऐसा अनोखा है कि 2 घंटे में भी 50,000 का बिजनेस वैल्यू लेना आसान है। लखन जी ने किया है 2 घंटे में 50,000 की। तो इस कड़ी में हम बुलाते हैं रिस्पेक्टेड श्याम अग्रवाल साहब को कि आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी, सभी को ग्रेट मॉर्निंग, चेयर्स। और वास्तव में आज तुलसी पेंट्स का जो एक पोस्टर आया कि जिसमें कुछ नया घोषणा होने वाली है, तो आज सबके दिल खिल गए। और इसका प्रमाण मिलता है कि जूम का सेशन बिल्कुल पैक है, बहुत सारे साथी आने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे, और यूट्यूब पे वो अटेंड कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा हमेशा फील होता है कि तुलसी पेंट जो है एक ऐसा वंडरफुल प्रोडक्ट है जो जैसे सुमित सर कहते हैं कि पीने स्किप कर सकता है, और मैं कह सकता हूँ कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसकी पीने तो स्किप होगी ही, लेकिन उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां भी स्किप हो जाएगी। उसकी जिंदगी में एक नया लेवल पे एक नई चीजें वो अनुभव कर पाएगा। तो जाने की कोई भी हमारे पास में साधन होते हैं, कहीं भी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आदमी साधन से जाता है, मोटरसाइकिल जाता है, कार जाता है, या हमारे पास एक बहुत बेहतर विकल्प जिसको हम कहते हैं एरोप्लेन। तो हमेशा मैं एक चीज का दिल से मानता हूँ कि जो मोटरसाइकिल की स्पीड है या जो कार की स्पीड है और जो एरोप्लेन की स्पीड है, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। एरोप्लेन में एक आदमी हजारों किलोमीटर 1.5-2 घंटे में जा सकता है, बस उसके रनवे को थोड़ा सा, एरोप्लेन को रनवे की जरूरत होती है, एरोप्लेन को थोड़ा सा एक स्पीड की जरूरत होती है। तो बस यही दो चीज हमें तुलसी पेंट में चाहिए, हमें एक ग्राउंड बनाना पड़ेगा और हमें थोड़ी इसकी एक स्पीड लानी पड़ेगी, थोड़ा इस पर हमें काम करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आज के इस सेशन के बाद में जो 7 कार्डिनल सुमित सर ने बताया, 7 बेसिक्स तुलसी पेंट के हैं, अगर इन दोनों चीजों का ध्यान रखें तो मुझे लग रहा है कि जो ग्राउंड हमें बनाना है, जो बेस हमें बनाना है, जो स्पीड हमें अपने बिजनेस को गति देनी, ये दोनों चीजें 7 कार्डिनल और 7 बेसिक्स जो तुलसी पेंट्स के हैं, इसमें ये दोनों चीजें समाहित है। और बस यही दोनों चीजें आपको करनी है तो आपका जो प्लेन है वो जब टेक ऑफ करेगा तो यकीन मानेगा कि फिर वो पीने स्किप करेगा और जिंदगी की हर तकलीफ को भी वो स्किप कर देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज का ऑफर वास्तव में बहुत शानदार था, बहुत ही शानदार एक टारगेट है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जनरली आपको कोई भी दूसरा प्रोडक्ट में 1 महीने का 20,000 या 50,000 पीवी का ऑफर नहीं आएगा। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसके पीछे में एक रीजन है। हालांकि ठीक है, पॉइंट सिस्टम में जैसे हम न्यूटी चार्ज पे करते हैं तो उस पर भी होता है, लेकिन अगर सिर्फ 1 महीने की बात करें कि एक ही महीने में 20,000 पीवी और 50,000 पीवी, ये प्रैक्टिकल इसलिए पॉसिबल है ओनली तुलसी पेंट में, क्योंकि यहाँ पर जो एक एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं उनकी पहले से ऑलरेडी सेलिंग 1 लाख की है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, ये पहले से उनकी है। हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा एक काम करना है कि हमें उन्हें अपने इस आरसीएम तुलसी पेंट में उनको स्विच कराना है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मतलब ऑलरेडी उनकी सेल हो रही है, ऑलरेडी वो सेल कर रहे हैं, ऑलरेडी वो यूज कर रहे हैं, हमें बस करना इतना सा है कि उन्हें इस प्रोडक्ट में स्विच कराना है। और ये काम अगर मार्च में कर लिया तो जो नांदेड़ का विजिट है, आगे भी करते रहना है, आगे भी हम करेंगे, आगे भी हमें बड़ा काम करना है, लेकिन मार्च के महीने में जो नांदेड़ का जो टारगेट है, तो ये टारगेट अगर हमें वहां जाने का मौका मिले, और यकीन मानिए कि जो तुलसी पेंट का जो वास्तव में जो आत्मा जहां बसती है, मेरा दिल से मानना है कि वो नांदेड़ है। नांदेड़ में एक व्यक्ति जो पहुंच जाएगा, टारगेट तो सर 20,000 हो सिंगल के लिए, 50,000 हो डबल के लिए है, लेकिन जो व्यक्ति नांदेड़ पहुंच जाएगा ना, वो उसको वहां से वो फीलिंग, वहां से वो चीजें उसको मिल पाएंगी जिन चीजों को लेकर वो आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि कहते हैं कि जब भी कोई आरसीएम वर्ल्ड में आता है ना, तो आरसीएम वर्ल्ड में आता है तो उसका जो फेथ लेवल एक अलग टाइप का होता है। वैसे जब हम नांदेड़ जाएंगे, देखिए हमने भिलवाड़ा का भी तुलसी पेंट का प्लांट विजिट किया है, लेकिन मेरा दिल से मानना है कि नांदेड़ एक बहुत पवित्र जगह है। जैसा सुमित सर बोलते हैं कि वहाँ पे जो गुरुद्वारा है अमृतसर के बाद में वो 2nd नंबर पे आता है, तो बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड, और अप्रैल के महीने में मैं भी नांदेड़ पहुंच रहा हूँ। लेकिन जो मेरा दिल से मानना है कि कैसी पवित्र जगह है, जहां से इस आरसीएम तुलसी पेंट की गंगा बह रही है,
अगर किसी को वास्तव में अपनी पीने को स्कीप करना है और वास्तव में बहुत बड़ी कमी भी लेनी है, तो मेरा जो सबसे पहला एक ही चीज मानना है कि मार्च के महीने को पहले फोकस करना पड़ेगा कि मार्च के महीने में हम मेहनत करके, हाँ बिल्कुल खरीदी करके नहीं, सुमित सर ने इस चीज को बिल्कुल हमें बताया है कि खरीदी करके नहीं, हमें यूज करके, लोगों के घरों को पेंट करके, अपने घर को पेंट करके हमें 20,000 पीवी या 50,000 पीवी जैसा भी हमारी सुविधा होती है हमें इसको करना है। लेकिन मेरा दिल से मानना है कि अगर तुलसी पेंट पे बड़े काम करने की शुरुआत करनी है तो मार्च के महीने में इन दो में से एक टारगेट का लक्ष्य जरूर लेना है, क्योंकि हम नांदेड़ जैसी पवित्र जगह जा सकें, हम उस जो आसिम तुलसी पेंट का जहां से गंगा पूरे देश में बह रही है हम उसको महसूस कर सकें और एक अच्छी भावना के साथ में, एक अच्छी तैयारी के साथ में जब वापस लौटेंगे तो फिर मुझे लगता है कि कामयाबी हमारे नेक्स्ट कदम पे जाने वाली है। तो आज के सेशन के लिए आदरणीय सुमित दूत जी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लखन जी का भी शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, ओवर टू यू सर। लखन जी आप म्यूट हैं आज। हाँ थैंक यू सर। और इस कड़ी में हमारे रिस्पेक्टेड कोर लीडर मंजीत सिंह सर को इनवाइट करते हैं शानदार तालिक में, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू लखन सर और अमीर सर, और आप लोगों का प्रयास काबिले तारीफ है, इसमें कहीं कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारे साथियों को होली की बहुत बहुत बधाई और आदरणीय वत्सर को हमारा सादर प्रणाम, हम मार्च महीने में आपका आशीर्वाद चाहते हैं। और सुमित सर का तो खैर कहना ही नहीं है, इनका तो जितना भी तारीफ किया जाए बहुत ही कम है। सुमित सर एज ए कोर लीडर आज हम मीटिंग में नहीं आए हैं, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हम मीटिंग में आए हैं सीखने। क्योंकि हम भी तुलसी पेंट को सीखने का प्रयास कर रहे हैं और ये जो प्रेरणा है हमें मूर्ति सर से मिली है। मूर्ति सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना पेंट कैसा है ये किसी के भी समझ में नहीं आता, और जाहिर सी बात है हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर है तो तारीफ ही करेंगे, लेकिन हम एक चीज बताना चाहेंगे कि हमारा इंटीरियर का काम चल रहा है सर, एक फ्लैट में लिया हो रांची में, और मैं अपने जो हमारा इंटीरियर डिजाइनर है उनको मैं बताया कि भाई हमारे पास पेंट है तो मैं अपना ही पेंट इस्तेमाल करूंगा, और सर उसका कहना क्लियर था कि आप कुछ भी कर लीजिए जब तक मैं उस पेंट को चेक नहीं करूंगा तब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा, भले ही आप हमको काम दीजिए चाहे मत दीजिए। तो मैं तो बाहर का ही पेंट इस्तेमाल करूंगा यदि हमारा पेंट मतलब आपका पेंट हमें पसंद नहीं आया तो। और सर हमें गर्व होता है इस बात से कि चेक करने के बाद, मैं उसको एक एक लीटर का दिया था, सब कुछ दिया था एक एक लीटर का, और चेक करने के बाद बोला कि सर आपका पेंट बिल्कुल पास है और मैं यही इस्तेमाल करूंगा। तो सर बहुत दिल से मजा आया सुमित सर ये बात सुन के, क्योंकि जब एक बाहरी व्यक्ति जो हमसे अटैच नहीं है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, जिससे जिसको एक रुपया का फायदा होने वाला नहीं है, उल्टे उसको नुकसान ही होने वाला है क्योंकि वो बाहर से पेंट लेगा तो उसको फायदा होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब ये तो क्लियर है कि अपना ही पेंट जाने वाला है मेरे फ्लैट में, लेकिन मैं एक चीज अपने मन में ही रखा हूँ सर कि हम पेंट तो हम खरीदेंगे लेकिन ये सारा पेंट हम उस कॉन्ट्रेक्टर के नाम पे ही मतलब कटवाएंगे। मैं अपने नाम पे नहीं कटवाऊंगा उसको, मैं ये ताकि उनका जो एशियन पेंट वाला कमीशन है वो तुलसी पेंट का कमीशन भी उन्हीं को मिले। तो हमारा सर दो सवाल है, एक तो सवाल उन्हीं का था कि हमें जैसे और सब पेंटों में ऑनलाइन कलर कोड आता है तो ये क्या ये फैसिलिटीज अपने यहाँ अवेलेबल है, और दूसरा सर जैसा कि आपने बताया कि कॉन्ट्रेक्टर का प्लान अलग है तो ये कैसे बताया जाएगा, ये मतलब हम तो बता नहीं पाएंगे तो कैसे उनको बतवा पाएंगे सर ये इस पर। मंजीत जी हम अपने सबसे पहले तो मुझे बेहद खुशी हुई कि आज इतने सभी कोर लीडर्स का आशीर्वाद मैं इस मंच पर ले पा रहा हूँ, क्योंकि अब तक की यूएस की मीटिंगों में मैंने जनरली देखा कि इतने सबका सानिध्य नहीं मिल पाता, तो आज आप सभी हैं तो इसका मैं बहुत बहुत मुझे बहुत खुशी हो रही, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल लग रहा है कि अब मैं बिल्कुल होली खेलने के लिए तैयार हूँ जैसा ऐसे माहौल को महसूस कर पा। और सर दूसरी मुझे बेहद खुशी हुई कि आर्किटेक्ट ने अप्रूव करना वाकई में हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी चीज होती है,
क्योंकि अब एक बार जब खुद टेस्ट करके जिस माइंडसेट से आता है ना, फिर अब वो जिंदगी भर का माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट बिल्कुल परमानेंट होता है और हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा वो सिचुएशन होती है। और सर आपने दो चीजें मुझसे पूछी, एक आपने पूछा कि पार्टनरशिप का प्लान जो हम उन्हें दिखाते हैं, सर प्लान तो आरसीएम का ही है, बस दिखाने का तरीका अलग, उसका एक डिफरेंट मेथड है जिस मेथड से हम ऐसा दिखाते हैं कि पेंट कॉन्ट्रैक्टर को हम पेंट बनाने वाली कंपनी में पार्टनरशिप दे रहे हैं एवं वे पार्टनर बन के अपने जीवन में प्रॉफिट लेकर के कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे। तो इसका एक सेशन होता है सर जिसमें हम आपसे कभी कभी निवेदन करते हैं कि आप अपना कोई भी एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर लाएं और हम जूम पर उनसे ही बातचीत करेंगे या हम फिजिकली मिल रहे हैं तो वहां करेंगे। तो ऐसा एक सेशन सर हम प्लान कर लेंगे जिसको एक बार अगर हमारी टीम के सभी लोग देख लेते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उनके कि उन्हें क्या काम करना है। और कलर कोड ऑनलाइन का मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं समझ पाया, आप अगर थोड़ा और विस्तार में मुझे बताएं तो मैं शायद इसको ठीक प्रकार से आपको एड्रेस कर पाऊं। वो सर जैसे एक कलर पैलेट होता है ना अपना जिसमें लिखा रहा था 001 003, हाँ। वो शायद हमें आइडिया नहीं, लेकिन उनका कहना था कि बाकी कंपनियों का ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है। नहीं ऑनलाइन का कोई मतलब नहीं, जैसे हमारी ऐप में भी शेड दिखते हैं और ऐप में भी हैं और हम शेड कार्ड भी देते हैं, लेकिन शेड कार्ड ही सही होता है क्योंकि ऐप में क्या होता है कि आप आपकी स्क्रीन पर कितनी ब्राइटनेस में किस प्रकार से देख रहे हो, मैं अपनी स्क्रीन पर कैसे देख रहा हूँ, उसमें शेड बदल जाता है, तो वो सिर्फ रेफरेंस के काम आ सकता है, लेकिन फिजिकल शेड कार्ड का होना बहुत जरूरी है तो हमारे सिस्टम में है और हमने शायद उसी पर काम करना चाहिए। जी जी जी, तो थैंक यू सर। और एक नया चीज आज मैं सीखा, 7 कार्डिनल ऑफ तुलसी पेंट। हालांकि हम लोग कार्डिनल पे हमारे आदरणीय सर बहुत ही जोर देते हैं वत्स सर, और हम लोग शुरू से ही हम बता दे हम लोग खुशनसीब है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में हम लोग पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किए होंगे कि वत्स सर ऐसा अपलाइन उंगली पकड़ पकड़ के सिखाने वाला। और तो निश्चित तौर पे हम लोग खुशनसीब हैं कि उनका सानिध्य सर कंटिन्यू हम लोगों को मिलता है। और आज हम जो भी हैं ये ऐसा नहीं कि वत्स सर हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रियली में हम लोग जो भी हैं वो उन्हीं के बनाए हुए हैं। तो दिल से धन्यवाद सर। मंजीत जी होली के टाइम पे आप कुछ भी बोलो ना तो लोग यही मानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो होली के बाद ये बात कहोगे तो कुछ छाव उस पे थोड़ा सा लग दम रहेगा। जैसे रात को आदमी है ना कोई ड्रिंक व्रिंक किए हुए तो उसकी बात को लोग है ना घर वाले सीरियस नहीं लेते, सोचते हैं कि सुबह बोलेगा ना तब देखेंगे। होली के बाद में यहाँ पे सर, यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में आपकी छवि ऐसी बनी हुई है कि कोई मतलब बोल सिर्फ बोल दे कि हाँ वत्सर के टीम से है तो लोग समझ जाते हैं कि बंदा ठीक ठाक है। मतलब आपका नाम ही काफी है सर, यहाँ सफाई देने की जरूरत ही नहीं। तो और तो हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि सर के सानिध्य में काम करने का मौका मिला। और सर जाने अनजाने में ये कार्डिनल रूल में फॉलो किया उनके साथ, हमारे जो इंटीरियर डिजाइनर हैं मैं उनको प्लान नहीं दिखाया हूँ आरसीएम का और ना ही कोई प्रोडक्ट यूज करने के लिए दिया हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया सर कि देखिए थोड़ा सा हम लोग हमारे सभी साथी जो आज आप हमारे मीटिंग में हैं वो थोड़ा सा ध्यान जरूर दे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं छोटे छोटे फायदे के लिए इतना बड़ा मिस्टेक कर देते हैं जिसका कि आगे चल के हमें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। तो जैसा कि सुमित सर ने बताया कि कभी भी जो बेस है मतलब जहां पेंट जा रहा है हमें उनको डीपी पे पेंट नहीं देना है, हमेशा एमआरपी पे बात करें और निश्चित तौर पे हमें ये करना चाहिए। और हमारे जो पेंटर साथी है देखिए हम जो कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं तो सर मैं कई काम करवाया हूँ, जैसे घर बनवाया था तो मार्बल का काम या फिर फर्नीचर का काम, तो इन लोगों का होता क्या है कि आप कहीं से भी प्लाई ले उनका कमीशन बंधा हुआ है। yes. चाहे दुकानदार जान पहचान का हो अथवा ना हो। सर हम अपने घर का मार्बल किशनगढ़ से लाए थे और जो व्यक्ति हमारा मार्बल लगाया उसका सर यही कहना था कि सर आप तो खरीद चुके हैं पैसा तो दे चुके हैं हमको सिर्फ स्लिप दे दीजिएगा तो हमारा कमीशन वहां से हमको मिल जाएगा, जबकि वो आज तक किशनगढ़ गया नहीं।
तो उसी तरह पेंटर का भी है कि उनका कमीशन दुकानों पे बंधा होता है और मेन वही है। जैसे कि हम लोगों के यहाँ हम लोग पार्टी वार्टी करते हैं तो मेन हलवाई होता है, और हलवाई बोल दे कि हेल्थ गार्ड हम यूज नहीं करेंगे तो आप यूज नहीं करवा सकते, क्योंकि वो एक डायलॉग मार देता है कि कुछ होगा तो उसका रिस्क हम नहीं लेंगे। और ये एक डायलॉग आपके पेंट को या किसी भी प्रोडक्ट को बहुत पीछे लेके जा सकता है। तो हमें उनका कमीशन उन्हीं को देना है, हमें उनके कमीशन को कहीं भी इधर उधर करना नहीं है। तो हमें थोड़ा सा यदि थोड़ा सा सावधानी बरत ले तो आज सभी साथी देख रहे होंगे कि जैसा कि मूर्ति सर बता रहे थे कि फास्टेस्ट एमराल्ड अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं और निश्चित तौर पे हो ही जाएंगे। और वो किसके बल पे होंगे, तो पेंट के बल पे होंगे। तो ऐसा रिजल्ट हर जगह आ सकता है, लेकिन कब, जब हम इन कार्डिनल रूल्स का पालन करेंगे तब। जैसे कि हमारे कार्डिनल में बताया गया है कि आरसीएम बिजनेस में पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी कार्डिनल को मानते नहीं है। जब उनका पैसा फंस जाता है तब समझ में आता है कि नहीं, कार्डिनल मान लिए रहते तो हमारा पैसा फंसता नहीं। तो आदर ये आचार्य चाणक्य बोले हैं सर कि जिंदगी में तीन तरह के ये व्यक्ति, धरती पे तीन तरह के व्यक्ति हैं, बुद्धिमान, औसत बुद्धिमान और मूर्ख। तो बुद्धिमान दूसरे के गलती से सीख लेता है, औसत बुद्धिमान गलती करके सीखता है, और मूर्ख बार बार गलती करते हैं फिर भी सीखते नहीं। तो वहां पे आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि यदि आप औसत बुद्धिमान भी हैं, यानी गलती कर करके भी सीखते हैं, तो जिंदगी उतना मौका आपको देने वाली नहीं है, उतना टाइम आपके पास नहीं है। तो बेटर है कि हम दूसरे के गलती से ही सीख ले। तो जाहिर सी बात है कि अगर सुमित सर कार्डिनल रूल बनाए हैं तो निश्चित तौर पे हमें उसका पालन 100% करना चाहिए, नहीं तो फिर गलती करके करेंगे। तो जब करना है ही तो पहले ही क्यों ना कर ले, ताकि गलती करने का मौका ना मिले। तो सभी साथी इन सब चीजों पे ध्यान दे। और देखिए लास्ट में एक बात हम बताएंगे कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं कि नॉलेज इज पावर, जबकि हमारा मानना है कि नॉलेज कभी भी पावर नहीं होता, नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन पावर होता है। हम सुबह जगना और एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये सबको पता है, ये नॉलेज है, लेकिन क्या है? इसका पावर हमें मिलेगा तो तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हम उसको फॉलो नहीं करें, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें। तो इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, और जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो आदरणीय वत्सर बताते हैं ये बात की जब इन चीजों को आप करना शुरू करते हैं तो इसका 100% रिजल्ट तुरंत आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमित सर आप तो मतलब प्रोडक्ट ही आपका ऐसा है कि धन्यवाद शब्द भी छोटा पड़ता है इसके लिए। और ये निश्चित तौर पे यदि थोड़ा सा सीरियस होके कोई भी व्यक्ति इस पे काम कर दे तो आपका पिन स्किप होगा ही होगा। मतलब जो पिन लगता है कि नहीं 3-4-5 साल में कुछ नहीं हो रहा तो निश्चित तौर पे स्किप होगा ही होगा। और आज इस मीटिंग में हमारा आने का उद्देश्य भी यही है कि हमें भी अपने पिन को स्किप करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और एक बार फिर से अमीर सर और लखन सर आपका बहुत बहुत, क्योंकि आपके मेहनत और आपके डेडिकेशन को जब हम देखते हैं तो कुछ सीखने का मौका हमें भी मिलता है। और आदरणीय सर को प्रणाम, और आपका आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे यही कामना हम करेंगे। जय आरसीएम, जय तुलसी पेंट। मंजीत सर, आपने बातों बातों में 7 कार्डिनल रूल के जो महत्वपूर्ण रोल, पहला कि अंतिम कस्टमर को ज्वाइन नहीं कराना है, मतलब को ज्वाइन होते हुए भी आप सारा लाभ दे रहे हैं, मतलब ज्वाइन होते भी नहीं ज्वाइन है आपने सर मैसेज दिया, यही एक है किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए पेंटर को नाराज नहीं कर रहा है। तो आपने ये बहुत बड़ा हम लोग सबक दिया है, सीखने हैं और कमाल होने वाले हैं पेंट से, पूरा विश्वास है। मूर्ति सर ने करके दिखाया है और उसके रिजल्ट दिख रहा है। आज हिंदुस्तान में तुलसी पेंट होने वाला है। तो एक हमारे बीच में बहुत शानदार साथी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मैं उनको करता हूँ। मिस्टर अमीर सोहेल जी, आप आए सर, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल सबका एक्साइटमेंट लेवल अपने चरम स्तर पे है सर, और हम तो तैयारी कर रहे हैं सर कि कुछ करके दिखाना है, और उसी की तैयारी चल रही है, बहुत बड़ी तैयारी भी हो रही है और रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। हमारे बीच में एक मूर्ति सर एक साथी को बुलाना चाह रहे थे, राइजिंग एम्प्टी राइजिंग बाबू, आपके बाद ले लेता हूँ आपके एक्सपीरियंस के बाद, मुझे याद। बहुत बढ़िया है सर, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है।
जनवरी फरवरी दोनों ग्रोथ में रहा सर, विजय दिवस की तैयारी ऐसी थी, फरवरी में भी कई पिने आई ऐसी जो कि विपरीत परिस्थितियों में थी, रॉयल्टी टेक्निकल की भी क्वालिफाई की पिने आई है सर फरवरी में, और मार्च में बहुत बड़ी तैयारी है सर। थैंक यू सर। तो हम एक साथी ले रहे हैं, बाबू राइजिंग करके हैं, आप प्लीज अपनी एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। सर का माइक कनेक्ट नहीं है, थोड़ा सा नेटवर्क का चैलेंज है लगता है, कोई बात नहीं है सर। तो शायद आज का हमारा टाइम हो गया है, तो एक बार आप लखन सर, एक बार आप सबको थैंक्स बोल करके आज हम लोग कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर और सभी रिस्पेक्टेड पूर लीडर्स, गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है। और जब कोर लीडर हमारे साथ, हमारे सीनियर हमारे साथ हैं, सुमित सर के जैसे शानदार एजुकेशन हमारे पास है, रिस्पेक्टेड टीसी सर जैसे विजनरी लीडर हमारे साथ हैं, तो फिर तुलसी पेंट पे कमाल होने वाला है। बस एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, मैं भी पिछले सितंबर से इसमें सीख रहा हूँ, शुरू में जरूर आपको रिजल्ट नहीं आता, पेशेंस के साथ लगे रहना है, सीखते रहना है, सेवन कार्डिनल रूल्स करना है, और साथ जो बेसिक हमारा है उसको बिल्कुल आपको पढ़ने की जरूरत है, चुकेंगे, गलती होगी, आप काम होगा, फ्रस्ट्रेट होंगे, बदनाम करेंगे, इससे अच्छा कि पहले आप ट्रेंड हो जाए, क्योंकि ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, कमर्शियल प्रोडक्ट की तैयारी कमर्शियल तरह करना पड़ेगा। आप लगे रहें, सपोर्ट सिस्टम है, आरसीएम जैसे विशाल सिस्टम हमारे पास है, जगह जगह हमको YouTube के माध्यम से, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, और मैं सल्यूट करना चाहता हूँ मिस्टर सुमित धूस सर को कि वो एक ऐसा पहला सीईओ डायरेक्टर है, कंपनी के मालिक है, जो अपने आप को बिल्कुल ग्राउंड पे झोंक दिया है। तो अगर पेंटर कॉन्टेक्ट है तो भी उसी जोश जुनून के साथ वो ट्रेनिंग देते हैं, रात दिन एक कर रहे हैं हम लोग आगे बढ़ाने के लिए। हमारे पेंटर कॉन्ट्रेक्टर जो भाइयों में भाई है, बिल्डिंग से जुड़े हुए भाई हैं, मतलब ये सेक्टर, और हम अगर उनके साथ में उनके बताए हुए रास्तों को पे चलने लगे तो रिजल्ट 100% आने वाला है दोस्तों। तो इन्हीं के साथ में लास्ट में एक बात मैं सर और बोलना चाहूंगा कि अगर हमने कार्डिनल रूल को फॉलो नहीं किया तो झटके भी बड़े लगेंगे, तो तैयार उसके लिए हमें पहले से रहना पड़ेगा। तो झटके खाने से बचना है, कार्डिनल रूल्स को फॉलो करें। इसीलिए सुमित सर ने बिल्कुल सबसे पहले क्या करना है कि पहले क्या नहीं करना है उसमें विशेष ध्यान दिया। तो आप सबको मैं दिल से नमन करता हूँ, जरूर कहूंगा कि ऐप का बिल्कुल ऐप डाउनलोड करें, एक चीज सीखें, बुकलेट में दिए नॉलेज को देखें, पेंटर कॉन्ट्रेक्टर को मिले, और कुछ भी हो जाए पेंटर कॉन्ट्रेक्टर को नाराज नहीं करना है, क्योंकि इस बिजनेस को करना है दोस्तों तो पेंटर कॉन्ट्रेक्टर ही हमारा मेन इसमें रोल अदा करता है। तो मैं तुलसी पेंट के नारे के साथ इस मीटिंग का समापन करना चाहूंगा। रिस्पेक्टेड टीसी सर का जो नारा हमारे यूनिकेशन सिस्टम से, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, हमारा पेंट हर दिन आगे बढ़, तुलसी पेंट जैसा, तुलसी पेंट जैसा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो इन करें अमित सर। यस सर, बिल्कुल। Oh, 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 oh